बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है आलू के छिलके। तो ये बहुत ही आसान, सादा और चीप कॉस्ट मील है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 kg आलू, जिनका छिलका मैंने ऐसे उतार लिया है, और साथ में ले लिए हैं 3 टमाटर, चंद हरी मिर्चें, और बेसिक मसाले हैं हमारे नमक, हल्दी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स में छिलके काट लिए हैं आलू के, और 3 टमाटर मैंने काट लिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी कट कर लिए हैं। तो ये मसाला जाता है। और यहाँ मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है 2 टेबल स्पून। तो अब इसमें ये तमाम छिलके डाल दूँगी। और साथ ही टमाटर भी ऐड कर दूंगी और स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो दोस्तों, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह 10 से 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें पानी थोड़ा सा, और फिर इसको दम पे रख दूँगी ताकि छिलके गल जाएं और पैन के साथ चिपके भी नहीं। तो बस इसको कैप लगा के रख दूंगी। तो दोस्तों, 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसे थोड़ा सा मिक्स करके गार्निश कर लूँगी हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। तो इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे आज के आलू के छिलकों की फ़ाइनल लुक। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।